बड़वानी जिला प्रशासन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए राजघाट पर स्थापित महात्मा गांधी के स्मारक से महात्मा गांधी, कस्तूरबा बाई और महादेव भाई देसाई के अस्थि कलश को 2 दिन बाद विधिवत हटाने का आश्वासन दिया था, जो आंदोलनकारियों के मौके से हटते ही पूरे दल बल के साथ राजघाट पहुंचा और हल्का बल प्रयोग करते हुए अस्थि कलश को वहां से हटा दिया। इसके अलावा राजघाट के आसपास की दुकानें भी बल प्रयोग करते हुए हटा दी गई। बड़वानी के राजघाट पर आज सुबह से ही गहमागहमी का माहौल है। गौरतलब है कि सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आने के कारण प्रशासन ने राजघाट पर स्थापित गांधी स्मारक को JCB के माध्यम से तोड़ते हुए महात्मा गांधी, कस्तूरबा बाई और महादेव भाई देसाई के अस्थि कलश को हटाने का प्रयास किया था, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध के चलते प्रशासन अस्थि कलश छोड़कर वापस लौट गया था, लेकिन 2 घंटे बाद दलदल के साथ SDM ने राजघाट पहुंचकर अस्थि कलश को राजघाट से हटा दिया, जिसका विरोध करने वालों को लाठियों से पिटा। राजघाट पर भारी भीड़ जमा है, जिनके द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। उपवास के पहले यहाँ संकल्प का कार्यक्रम था, उसको बर्बाद करने के लिए कलेक्टर ने फोर्स लाया, कुछ लाठी चार्ज किया, हमारे 2 कार्यकर्ता युवाओं को खून आया है, गाली गलौज भी की और पूरी लाठियों के साथ महिलाओं को दबाते दबाते एक बाजू करते हुए ये चुरा के। बड़वानी से अजय यादव की रिपोर्ट।